हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो लैंप को जलाकर कार्यक्रम का आरंभ करें। चौसठवें पुरस्कार जो एक वार्षिक प्रथा है, यहाँ पे उपस्थित सारे महिला कर्मचारी और कर्मचारीगण के परिवार और बाकी महिला अधिकारी और बाकी मेरे साथी अधिकारीगण, सबको स्वागत। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जब अनडिवाइडेड होती थी तो इनफैक्ट ये प्रोग्राम के लिए हॉल ढूंढना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी वहाँ पे सभा होती थी तो जगह कम पड़ जाती थी। तो मोस्टली ये कार्यक्रम जो हमारे फुटबॉल ग्राउंड है वहीं पे किया करते थे, लेकिन अब ट्राइफिकेशन के बाद उतनी भीड़ नहीं रही तो इसलिए ये सभागृह में कर रहे हैं। इस साल जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं वो आप लोगों की कड़ी मेहनत और लगन से हुई है। अभी क्योंकि रेलवे बोर्ड की अवार्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं तो इसलिए हमें पता नहीं है कि हम इस बार कितने सीट्स हासिल करेंगे, लेकिन ये हमें पता चला है कि कम से कम एक सीट तो हमारा है जो कि कंस्ट्रक्शन का है। इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन के सारे अधिकारियों को बधाई देता हूँ और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जितने भी डिवीजन और हेडक्वार्टर के अधिकारी हैं उनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना कंस्ट्रक्शन अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारे काम जो हुए हैं ये सारे ब्राउन फील्ड एक्टिविटी थे जिसमें सबकी मदद की जरूरत होती थी, चाहे प्लानिंग में, चाहे ब्लॉक में, चाहे एग्जीक्यूशन में। तो जब इलेक्शन के बाद बोर्ड के अवार्ड्स अनाउंस होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी सही में उपलब्धि क्या रही, लेकिन हम जो साल भर काम करते हैं वो उपलब्धि के आशा से नहीं करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हर साल हम जितनी जो मेरी हमारी मेन एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर और माल की, उनकी जो अपेक्षाएं हैं जनता की वो पूरा नहीं कर पाते हैं, अनफुलफिल्ड डिमांड्स रह जाते हैं। तो इसलिए हमें हर साल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा करना ही है और उसके लिए सारे जितने उपाय पॉसिबल होते हैं वो हम अपनाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं और इसी लगन से हम काम करते हैं। काम करते करते अगर किसी को उपलब्धि प्राप्ति हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन उपलब्धि नहीं मिलेगा या उपलब्धि नहीं मिला बोल के हम काम करना बंद कर देंगे ये अच्छी बात नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इस रेलवे में जो लोग हैं इस रेलवे को ब्लू चिप रेलवे कहा जाता है और इसमें काम करने वाले सारे अधिकारी और कर्मचारी सबको ब्लू ब्लडेड रेलवे मैन कहा जाता है, क्योंकि इस रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों के काम करने का तरीका थोड़ा सा भारतीय रेल से हटके है। हम रूल के दायरे में रहते हुए और रूल का पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करते हुए हम जो जहाँ पे जिस सिचुएशन पे जो ठीक लगता है वही करते हैं।
और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और नए नए ऊंचाई को उपलब्ध करते हैं। इस बार हमने करीब 154.8 मिलियन टन का लदान किया है और अगले साल मतलब 1920 के लिए हमारे पास 164 मिलियन टन का टारगेट आया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब हासिल करते ही रहोगे, क्योंकि हमारे पास डिमांड की कोई कमी नहीं है और आप लोग अगर मेहनत करोगे और सच्चे दिल से करोगे तो ये उपलब्धि तो हासिल होनी है। और पैसेंजर फ्रंट में भी हम जो भी टारगेट आएगी उसे अचीव करके ही रहेंगे। और ये रेलवे की शुरुआत स्कॉटिश लोगों ने किया था, इसलिए इसको कंजूस रेलवे माना जाता था, क्योंकि स्कॉटिश लोग थोड़े से कंजूस होते थे। हम कंजूसी, लेकिन जो पुरानी ट्रेडिशन थी वो काफी बदल चुका है और बदलना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे अधिकारी और कर्मचारी का रहने का और काम करने का जो एरिया हैं उस एरिया में अगर हम कोई उनकी जो एनवायरनमेंट है उसको अगर ना सुधारे, क्योंकि जैसे पहले किसी के पास एयर कंडीशनर नहीं होती थी अदर देन एचओडी, आजकल सारे के सारे रनिंग रूम और रेस्ट रूम में एसी लगा रहे हैं हम, और यहाँ पे भी हो रहा है। खर्चा कम करो मेरी राय ये नहीं है, मेरी राय ये है कि आमदनी बढ़ाओ और जहां पे जरूरत है वहां पे खर्चा भी करो। और सारे जो कर्मचारियों की या अधिकारियों की क्वार्टर से उसमें जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए वो हम करेंगे, क्योंकि आदमी का अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो वो काम सही नहीं ढंग से नहीं कर पाएगा। उसके घर पे अगर परिवार सुखी नहीं है तो वो अपना दिल लगा के काम नहीं कर सकता है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट एन अनहैप्पी सोल्जर टू फाइट अ वॉर, सेम सिचुएशन इज हियर। आई कैनॉट एक्सपेक्ट ए अनहैप्पी रेलवे मैन टू डिलीवर द जॉब दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू डू। तो कर्मचारी को खुश रखना, उनके लिए जो सुविधा चाहिए हम देंगे और जो जरूरत है काम करने का वो करेंगे, ये उम्मीद में रखता हूं। और यहां पे आज करीब 120 लोगों को शायद अवार्ड मिलने वाला है। जिनको अवार्ड मिला उनके परिवार वालों के सामने उनके सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और उसी से सीख मिलेगी दूसरे कर्मचारियों को कि अगर इस साल हम ऐसा ही मेहनत करेंगे तो अगले बार भी हमें अवार्ड मिलेगी। ये एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। बस इतना कहकर मैं फंक्शन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। धन्यवाद। सबसे पहला ग्रुप श्री डोबरो लागुरी, श्री विश्वनाथ मित्रा, ऑपरेशन सिंह। द शील्ड इज अवार्डेड जॉइंटली टू आगरा एंड रांची। चक्रधरपुर और खड़गपुर को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेचुलेशन सर। द नेक्स्ट शील्ड इज सिविल इंजीनियरिंग शील्ड। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सर्विसेज शील्ड। बेस्ट
kept the station and the shield is awarded to Diga station. Wonderful work in improving the Diga station, which is a non-suburban station of Kharagpur Division. Next is mechanical engineering shield. Shield is awarded to Chakradharpur Division. Next is punctuality shield. Kharagpur Division has achieved a mail express. Next is safety shield. The shield goes to Ranchi Division. All the four division of Southeastern Railway. Overall efficiency shield. This was very neck to neck fighting. If the last tie chalta raha aur tie se khatam hua. So shield goes jointly to Kharagpur and Chakradharpur Division. Thank you.